गुड आफ्टरनून फोर्थ क्लास, नाउ वी स्टार्ट हिंदी क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संज्ञा। आपने ये किया हुआ होगा, हम इसकी सिर्फ रिवाइज करेंगे इसको कि संज्ञा क्या होती है या किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, रोहित अपनी पाठशाला की ओर से घूमने जाने वाला है। उसके संग पीटर और अकरम भी जाएंगे। वे सब रेलगाड़ी से दिल्ली जाएंगे और वहां से बस लेकर आगरा पहुंचेंगे। मतलब इनके अंदर जो भी नाम आ रहे हैं, शहर का नाम आ रहा है या जगह का नाम आ रहा है, वो सारे क्या है हमारे पास? संज्ञा। संज्ञा की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होता है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के बारे में बताए या वस्तु जगह के बारे में बताए या कोई भाव को व्यक्त करे। भाव जैसे डर हो गया, दयालु, दया, इस तरह के जो भाव होते हैं, हंसना, ये सारे क्या आ जाती है हमारे पास? संज्ञा आ जाती है। ठीक है, इनको हम संज्ञा कहते हैं। इसमें कोई भी हो सकता है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम, सारे व्यक्ति क्या हो जाएंगे? संज्ञा कहलाते हैं। कोई भी वस्तु हो, अलमारी, टीवी, फ्रिज, ये सारे क्या हो जाते हैं? संज्ञा होती है। और स्थान, किसी भी जगह का नाम है या कोई एड्रेस है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं? संज्ञा। ठीक है, अब हम देखें तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं मुख्य रूप से? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन। और भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे देखिए। अगर मुझे ये पता हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसकी अगर परिभाषा क्या आएगी? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति, अगर हम उसका नाम ले रहे हैं ना, जैसे रोहित, मोहित, इस तरह हम किसी भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कोई भी वस्तु ले रहे हैं, जैसे किताब हो गई या बैग, बोतल, ये सारे क्या हो जाते हैं? वस्तु। तो ये क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी ना किसी का कोई नाम लिया जाए ना, तब वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके उदाहरण क्या आ जाएंगे? जैसे यह मोहन है, तो हम इसकी ओर इशारा करके कहेंगे ना, यह मोहन है, तो मोहन इसमें क्या आ जाएगा? संज्ञा। अब ये देखिए, यह रामायण है, तो रामायण की पुस्तक है ये, तो ये वस्तु हो गई, तो रामायण इसमें क्या हो जाएगी? संज्ञा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यह हिमालय पहाड़ है, तो हिमालय क्या हो जाएगा हमारे पास? संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जैसे प्राणियों, वस्तु या स्थानों का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे जैसे अगर हम किसी का नाम ले लेते हैं, तब तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम पूरे समूह के बारे में बताएं कि जैसे यह बालक है या यह पुस्तक है, तो बालक, इसमें बालक कोई भी हो सकता है, सबको ही हम बालक बोलते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा कोई होता है, उसको हम सबको बालक ही बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा। मतलब पूरी जाति का वो बोध करा रहा है हमें, पूरी जाति का हमें पता चल रहा है इससे, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कोई भी वस्तु है, अब जैसे अगर हम पर्टिकुलर किसी पुस्तक का नाम ले लें, जैसे ये हिंदी की बुक है या ये गणित की बुक है, तो ये क्या हो जाती है? ये तो व्यक्तिवाचक हो गई। ठीक है, अगर हम ले कि यह पुस्तक है, पुस्तक चाहे कोई भी है, तो वो एक पुस्तक ही मानी जाएगी। पुस्तक का मतलब क्या हो गया? ये पूरी जाति के बारे में बता रहा है, उसकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ, यह एक पहाड़ है, अगर हम पहाड़ का नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था यह हिमालय पहाड़ है, तब तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा आई थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जब हमने लिखा यह एक पहाड़ है, अब पहाड़ कोई भी हो सकता है, छोटे पहाड़ भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सारे पहाड़ जितने भी हैं सब इसमें आ जाएंगे,
तो ये क्या बता रहा है, कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा कौन सा? भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी गुण, जैसे कोई अच्छा है, बुरा है, या सही गलत, कोई स्वभाव हो, दशा हो, जैसे स्वभाव में जैसे कोई, जैसे हम ये लिखते हैं कि राम दयालु है, तो दयालु क्या आ जाएगा हमारे पास? भाववाचक संज्ञा। दयालुता को हम वैसे नहीं बता सकते हैं, मतलब इसके कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको हम सब महसूस कर सकते हैं। जिनको हम सब भावों से महसूस कर सकें, वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे हंसना हो गया, बचपन हो गया, हम बचपन को भी हम बता नहीं, वैसे दिखा नहीं सकते हैं, या दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में जब हम, एक तरह से बचपन भी एक भाव ही होता है। ईमानदारी हो गया, अब ईमानदारी किसी के फेस पे लिखा तो नहीं होता कि ईमानदार है या चोर है, ऐसे नहीं लिखा होता, उसके व्यवहार करने से ही हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कौन से संज्ञा कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मोहन को ईमानदारी का इनाम मिला, अब ईमानदारी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। घबराहट में चोर थैला छोड़कर भाग गया, अब घबराहट हमें वैसे तो दिखाई नहीं देती ना, किसी में घबराहट है या नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। सेना ने वीरता से दुश्मनों का सामना किया, तो वीरता इसमें क्या आ जाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम देखो इनको कुछ अगर और देखें भाववाचक संज्ञा में, जैसे बुढ़ापा, पढ़ाई, सुंदरता, विशालता, ईमानदारी, ये सारे क्या हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे अब हम ये बोलते हैं कि आम बहुत ही मीठा है, अब मीठा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि उसे हम खाएंगे तो हमें पता चलेगा, देखने से तो हमें नहीं पता चलेगा कि आम मीठा है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बालक शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? अब बालक मैंने आपको बताया था किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। गुच्छा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? अब गुच्छा है पूरा, किस में? किसी का भी गुच्छा हो सकता है, तो क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, हिमालय शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? अब हिमालय, हिमालय एक पहाड़ का नाम है, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, अगला देखिए, पशुओं के नाम संज्ञा नहीं होते? गलत, पशुओं के नाम भी तो संज्ञा ही होते हैं, तो ये गलत लिखा है। विशेष व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, यस। संज्ञा के मुख्य जो तीन भेद होते हैं, तीन ही पढ़े हमने, कितने भेद होते हैं? तीन ही भेद होते हैं, सही है। गुण दोष का ज्ञान कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं उनको? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है, यस। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने बताना है, ये हमें दिया हुआ है, तो इनमें हम बताना है कि भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, संज्ञा के भेद लिखने हैं। अब खरगोश दौड़ रहा है, खरगोश का कोई नाम नहीं दिया हुआ, खरगोश, सारे खरगोश ही आ गए इसमें, तो क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वीर अब्दुल हमीद ने बहादुरी से काम किया, अब इसमें पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो ये क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कमल एक सुंदर फूल है, अब फूल के ऊपर इसमें अंडरलाइन की हुई है, तो ये क्या आ जाएगा? फूल इसके अंदर सारे ही आगे, क्या आ गया? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यस, फोर्थ क्लास, संज्ञा सबको समझ आ गई? यस, और थैंक यू।